मती सबके उर रही नाथ पुरा निगम अस भैया सती है अंदर से। अब किसी की कुमति जाग रही तो किसी की सुमति जाग रही। बोले सुमति जागने का लक्षण क्या है? जहां सुमतत है संपत्ति नाना, जहां पर नाना प्रकार के सुख हो गए, भगवान का भजन हो गए, सोई समझना सुमति जाग रही। जहां नाना प्रकार के दुख कलेश लड़ाई हो गए, सोई समझना भगवान की कथा कुमति को हटाती, कुमति को सुनाती है। अच्छा एक बात, हमको एक सज्जन मेरे बोले महाराज जी हमने तो बहुत कथाएं सुनी कुछ नहीं हुआ। हमने कहा होगा भी कैसे? बोले क्यों? हमने कहा देखो भाई किसी लोटा में खारा पानी भरा हो और तुम मीठा पानी डालो पर खारा पानी ना निकालो तो क्या पूरा मीठा होगा? पहले खारा पानी हटाओ, पपड़िया से लोटा को साफ करो, फिर उसमें मीठा जल भरो, तब मीठा जल आएगा, वरना मीठे में भी थोड़ा सा भी नमक चिपक जाएगा, सोई मीठे का स्वाद गड़बड़ हो जाएगा। बोलो सीताराम ऐसे समझो, एक बार हमारा चेला रहता था चंगीलाल, चंगीलाल के गांव में के कुआं में गिर गए तीन कुत्ता। अच्छा गिर गए सो तो ठीक है, गिर के मर गए, गांव में एक ही कुआं, तीन कुत्ता गिर गए मर गए। अब लगी बसा भी दुर्गंध आवे, गांव वाले हैरान। गांव वाले एक महात्मा जी के पास गए, महाराज बड़े परेशान है, एक ही कुआं था उनमें भी तीन कुत्ता गिर गए, बदबू आ रही, कोई उपाय बता। महात्मा जी बोले उपाय है बढ़िया गंगा जल डाल देना, खूब ज्यादा गंगा जल डाल देना, इत्र वित्र डाल देना, थोड़ा पुष्प पुष्प डाल देना उनको अलग करके। ठीक है महाराज बात तो सुन ली गांव वालों ने, महात्मा जी की बात सुनकर के तुरंत गंगा जी से बाल्टी भर भर के लेकर आए, कुआं में डाला, पुष्प डाला, इत्र डाला, सत्यनारायण की कथा करवाई। महात्मा जी के पास पहुंच गए, महाराज बदबू ज्यों की त्यों। महात्मा जी बोले हद हो गई, अच्छा भैया एक काम करो इस बार थोड़ा इत्र ज्यादा डालो, अगरबत्ती लगा। महात्मा जी ने सोचा शायद इनके दिमाग में बात भरी होगी, कुआं में आसपास दुर्गंध आ रही होगी, थोड़ा अगरबत्ती ज्यादा लगाओ, थोड़ा इत्र ज्यादा लगाओ, ठीक हो जाएगा जाओ। गांव वाले फिर पहुंचे, अगरबत्ती पूरे कुआं में लगा दी, इतनी अगरबत्ती लगा दी कि धुआं ही धुआं। चार पांच दिन बाद फिर पहुंचे, बोले महाराज बदबू ज्यों की त्यों। महात्मा बोले भाई ये तो बड़ी गजब हो गई। बोले अच्छा एक बात बताओ, वो कुत्ता निकाले कि नहीं निकाले? बोले महाराज वो तो आपने कही। महात्मा सिर पीटने लगे, जय हो, कुत्ता निकाले नहीं गंगा जल डाल रहे तो बदबू कहां से जाए? पहले भाई उन कुत्तों को तो निकालो, ये शरीर है गांव, मन है कुआं, इस मन रूपी कुआं में भी तीन कुत्ते गिर चुके हैं, काम के, क्रोध के, मद के, ये तीनों कुत्ते बड़ी दुर्गंध दे रहे हैं, जब तक तुम इनको बाहर नहीं निकालोगे तब तक भक्ति की सुगंध नहीं फैलेगी।